साहब को कि वो कन्यारी में गया और कन्यारी में उसने जो हाल देखा है और कन्यारी में जो मुसीबत था, तो वो आज गया वहाँ पर। आज डीसी साहब था और एसडीएम साहब थे, आज वहाँ के लोग बहुत ही खुश हैं कि वहाँ पर जो उसने अब खुद जब उसने उनके हाल देखे, उनके हालात देखे हैं, तो उस लिहाज से अगर हम देखेंगे तो वो बहुत ही मुसीबत में थे। तो आज डी साहब ने खुद देखा कि मौके पे कि वहाँ पर ऑन स्पॉट जब वहाँ पर डी साहब गया तो वो लोग आज बहुत खुश हैं और शुक्रगुजार हैं कि हमारे डीसी साहब का, कि जो परसों हमने एक वीडियो भी वहाँ पर बनाया था तो और वीडियो भी डी साहब के वहाँ तक पहुँचा था, तो उसी माध्यम से जो आज डी साहब वहाँ पर गया, तो शुक्रिया हम करते हैं अपने डीसी साहब का कि वो वहाँ पर गया और उसने वहाँ पर विज़िट किया और उसने लोगों के हाल वहाँ पर देखे। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वो आज गए तो उन्होंने आज वहाँ पर एश्योरेंस दिया उनका कि पानी सड़क जो भी मसला है वो हम हल करेंगे आज। नज़ीर, अगर देखा जाएगा जिस तरीके से हालात बता रहे हैं कि लोग खुद खौफज़दा है, मुसीबत ज़दा है, क्योंकि अगर देखा 2014 का जो सैलाब आया था, आज वो लोग उसी तरह सैलाब में रहते हैं लेकिन अभी पानी नहीं आया, लेकिन वो सैलाब भी देख भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम देखेंगे कि 2014 में जो सैलाब आया था तो कुछ लोग जो थे कन्यारी के वो अपने घरों में रह रहे थे, मगर जब सैलाब आया तो फिर वो ऊपर आए। उस टाइम वहाँ पर शाह फैसल साहब था, वो भी गया वहाँ पर विज़िट करने के लिए, तो उसने भी उनको उस वक्त बताया था कि आप आए और एक लैंड उनको वहाँ पर आइडेंटिफाई उस टाइम हो गई थी। तो दरअसल जो यहाँ की सरकारें थी, अगर हम देखेंगे NCP, PDP और कांग्रेस, अगर हम देखेंगे कि तो उन्होंने उनको बस यही वोट बैंक के लिए रखा था। जो हमारी पार्टी है बीजेपी पार्टी, तो उन्होंने ना कोई वोट बैंक के लिए रखा ना कुछ, वो लोगों के लिए आए वहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो अगर इस वक्त हम देखेंगे कि उनका कोई नहीं सुन रहा था, मगर अगर आज हम देखेंगे तो हम शुक्रिया करते हैं डीसी साहब का, हम शुक्रिया करते हैं एलजी साहब का कि उसने वहाँ पर आज जो टीम गई है उसने देखे मौके पे वहाँ पर हालात है। तो ये एनसी और पीडीपी और कांग्रेस ने और उन्होंने ये तो वोट बैंक रखा था वहाँ पर, मगर लोग आज बहुत खुश है कन्यारी की कि वहाँ पर आज डीसी साहब ने खुद विज़िट किया और ये किसी की दया नहीं है। कोई पार्टी एनसी पीडीपी नेशनल कांग्रेस ये बताएगी कि हमने ये चीज़ किया है, उसने मतलब हमने ये वहाँ पर डी साहब को विजिट करा नहीं, डी साहब को खुद दिमाग में आया कि ये लोग मुसीबत में है और डी साहब खुद वहाँ पर चला गया। तो डी साहब को वो किसी का मोहताज तो नहीं है, तो जब डी साहब वहाँ पर गया तो उसने खुद हाल देखा है, तो डी साहब का ना किसी का प्रेशर है ना किसी का कुछ है, वो गया उसने उसकी मतलब वो डी सी है उन बेचारों का भी, वो नायदखा का डी सी नहीं है, वो हाजन का डी सी नहीं है, वो डी सी है डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा का। तो अगर हम देखेंगे आज बहुत ही खुश है कन्यारी की, मैंने भी वहाँ पर अभी गया मैं तो मैंने भी वहाँ पर विजिट किया कि वो लोग कितने खुश थे आज। तो अगर हम देखेंगे तो आज उनका मुझे लगता है कि खुशी का बहुत बहुत बड़ा ठिकाना है वहाँ पर कन्यारी के लोगों की।